नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टिहरी बांध प्रभावितों को मिली बड़ी राहत। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा 415 विस्थापित परिवारों का जल्द होगा पुनर्वास। टीएचडीसी ने 21 हेक्टेयर भूमि लौटाने की भी दी सहमति। अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य होंगी सभी गतिविधियां। राज्य में आने वालों के लिए अनुमति और पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त। देहरादून में मेट्रो नियो संचालन की तैयारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश। कहा शहर में यातायात के बेहतर संसाधनों के लिए यह है जरूरी। और वन विभाग बनाएगा पंच केदार सर्किट। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर मंदिरों को पौराणिक रास्तों से जोड़ने की योजना। पर्यटन और आर्थिकी को मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों की पुनर्वास की समस्या अब जल्द समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह से मुलाकात कर समाधान की मांग की थी, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने 2 महीने के भीतर सभी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भूमि की वैल्यूएशन के लिए केंद्रीय ऊर्जा सचिव और उत्तराखंड के सिंचाई सचिव मिलकर समाधान निकालेंगे। उन्होंने बताया कि टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश से कहीं भी स्थानांतरित नहीं होगा। इसके साथ ही टिहरी बांध विस्थापितों के लिए निःशुल्क सीवर और पानी की व्यवस्था के साथ ही आधे दाम पर बिजली देने के लिए भी जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर क्षेत्र के लिए 7 बोट और 2 बसों को संचालित किया जाएगा। साथ ही टीएचडीसी के पास उपलब्ध 21 हेक्टेयर भूमि को भी वापस किया जाएगा। सिंचाई मंत्री ने बताया कि बैठक में टीएचडीसी की ओर से न्यायालय में दायर सभी वादों को वापस लेने पर भी सहमति बनी है। जब ये बांध बना, इसके साथ साथ अनेक समस्याएं जो हैं लोगों की खड़ी हो गई, विस्थापितों की, पुनर्वासितों की समस्या खड़ी हो गई। उसके लिए हम लोग केंद्रीय मंत्री जो हमारे ऊर्जा मंत्री थे आरके सिंह जी, उनसे हमारा भेंट हुई और इसमें तय किया गया कि 415 जो हमारे विस्थापित परिवार हैं उनकी समस्या का 2 महीने के अंदर निराकरण किया जाए। इसके साथ भूमि की जो वैल्यूएशन के लिए हमारे जो ऊर्जा सचिव हैं केंद्र के और हमारे सिंचाई सचिव जो बैठ करके इसका वैल्यूएशन करेंगे, उनको निर्देशित किया गया है। काफ़ी समय से ये था कि टीएचडीसी का ऑफिस यहाँ से जा रहा है और हटाया जा रहा है, उसके बारे में भी निर्देश हो गए हैं। अनलॉक को लेकर राज्य में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अब राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां सामान्य करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में आने वाले लोगों को अनुमति नहीं लेनी होगी, साथ ही पंजीकरण कराना भी अनिवार्य नहीं है। राज्य की सीमाओं पर होने वाली रैंडम सैम्पलिंग भी अब नहीं कराई जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि राज्य में नए नियम 1 फरवरी से लागू किए जाएंगे। वहीं सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संशोधित एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य सभाओं के आयोजन केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार ही होंगे। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का निर्धारण अब माइक्रो लेवल पर जांच के बाद किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के नियमों के पालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने की पहले की गई व्यवस्था जारी रहेगी। स्विमिंग पूल, प्रदर्शनी हॉल भी केंद्रीय एसओपी के तहत खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल आम लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर में लक्सर रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग और बसेड़ी एथल सराय मार्ग के साथ ही आमखेड़ी सोलानी पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए इन सड़कों का निर्माण जरूरी था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरिद्वार के चारों ओर रिंग रोड बनाई जाएगी, जिसका निर्माण करीब 2000 करोड़ की लागत से होगा। रिंग रोड बनने से हरिद्वार का विकास और तेजी से होगा। हरिद्वार की रिंग रोड के लिए भी सैकड़ों करोड़, लगभग 2000 करोड़ से वो भी लागत से बनेगी। पूरा हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा। हरिद्वार दिल्ली और मुंबई
को मात करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के तहत बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां राज्य के 23 लाख परिवारों को इसके तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जौलीग्रांट को स्वर्ण प्रमाण पत्र, कृष्ण मेडिकल सेंटर देहरादून और चामुंडा हॉस्पिटल एंड लेप्रोस्कोपिक सेंटर काशीपुर को रजत प्रमाण पत्र और हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली को कांस्य प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ऋषिकेश के साथ ही राज्य के 13 विभिन्न जिला एवं सामुदायिक केंद्रों और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल सहित 5 अन्य निजी चिकित्सालयों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव ओम प्रकाश के साथ देहरादून में मेट्रो नियो के संचालन से संबंधित प्रेजेंटेशन को देखा। मुख्यमंत्री ने देहरादून शहर में यातायात के बेहतर संसाधनों की उपलब्धता के लिए समेकित प्रयासों की जरूरत बताते हुए इस दिशा में प्रभावी पहल की जरूरत बताई। उन्होंने उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को मेट्रो नियो के संचालन की कार्ययोजना और डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में देहरादून शहर में यातायात को सुगम बनाने में मेट्रो नियो महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि मेट्रो नियो मेट्रो का एक छोटा सा रूप है जिसके लिए मेट्रो की तरह रेल लाइन की जरूरत नहीं होती और इसे सड़क पर ही चलाया जाता है। इसके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाता है। दिखने में मेट्रो नियो बस की तरह होती है जो कि छोटे शहरों के लिए कारगर होगी। आपको बता दें कि मेट्रो नियो बिजली से चलती है जिसकी वजह से ये कम खर्चीली होती है, जिसमें लोहे की जगह रबड़ के पहिए होते हैं। देश के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए देश के शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू से सीएसआर के तहत भी वित्तीय सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप चावलकर ने बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि कुछ पीएसयू ने इस सिलसिले में सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी है। वहीं एनटीपीसी लिमिटेड ने केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ 25 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ धाम में नागरिक सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए एक समझौता किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए वो कुछ पैसा उपलब्ध कराएं, तो इसके लिए सबसे बातचीत हुई है और हमारा ये कहना है कि जो हमारे पीएसयूज हैं वो सीआरएस फंड्स देंगे और उससे इनका निर्माण होगा। सभी से हम आग्रह करते हैं कि हृदय खोल करके इसके लिए जो है दान दें। केदारनाथ धाम को पंचकेदार से जोड़ने के लिए वन विभाग ने एक कार्य योजना बनाई है। योजना के तहत पंचकेदार का एक सर्किट बनाया जाएगा जिसमें केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर मंदिरों को पौराणिक रास्तों से जोड़ा जाएगा। केदारनाथ में जून 2013 में आई आपदा में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा के दौरान इन्हें पुराने पौराणिक रास्तों पर जाकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। केदारनाथ वन प्रभाग ने आपदा के लिहाज से पुराने मार्गों को बेहतर बनाने के लिए पंच केदार सर्किट योजना तैयार की है। योजना के अनुसार गंगोत्री से आने वाले 23 किलोमीटर लंबे पौराणिक त्रिजुगी नारायण केदारनाथ पैदल मार्ग और 19 किलोमीटर लंबे कालीमठ चौमासी केदारनाथ पैदल मार्ग को पहले चरण में बनाया जाएगा। दूसरे चरण में रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर जाने वाले पौराणिक मार्गो को ठीक किया जाएगा। इन मार्गो के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ मंदिर को जोड़ने वाले जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो वन क्षेत्रों से होके जाते हैं, जिसमें एक मार्ग तिरुविनारायण से केदारनाथ है और दूसरा चौमासी से केदारनाथ है। तो इनके सुधारीकरण की योजना जो है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा बनाई जा रही है। पंच केदार जो मंदिर है उनके जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी सब वन क्षेत्रों से होके जाते हैं। तो हम लोगों ने एक जो इन मंदिरों को जोड़ने का जो सर्किट बनाया है उसके अंतर्गत जो मंदिरों को जाने वाले जो पैदल मार्ग हैं उनके सुधारीकरण की एक योजना भी इस प्रभाग द्वारा जो है बनाई जा रही है।
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि टनकपुर स्टेशन से जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से ट्रेनों का संचालन बंद पड़ा था, जिसे शीघ्र शुरू किया जा रहा है। अब जनशताब्दी एक्सप्रेस तैयार है, इसके अलावा अन्य ट्रेनों का भी संचालन शुरू होगा। पूर्णागिरी मेले में पहले की तरह ही ट्रेनों का संचालन होगा और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज जनरेट हो रही हैं, बहुत सी सुविधाएं जनरेट हो रही हैं, गाड़ियां यहाँ से चलने वाली है, यहाँ से बहुत अच्छी वॉशिंग लाइन अवेलेबल है, डिपो अवेलेबल है, तो भविष्य में यहाँ से गाड़ियां और चलेंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी पूरा होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। एक दो महीना इंतजार करिए तो काफी कुछ चीजें यहाँ से। जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा बागेश्वर के अध्यक्ष ललित लटवाल ने बताया कि यस बैंक के माध्यम से सहकारी बैंक को क्यूआर कोड मिल गया है। इससे बैंक के सभी कार्य सामाजिक दूरी के साथ आसानी से हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 25,000 किसानों को दीनदयाल किसान योजना के तहत 0% ब्याज दर पर ऋण देंगे। इसके अतिरिक्त बैंक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध भी करा रहा है। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक को यस बैंक के माध्यम से क्यूआर कोड मिला है और इसकी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने बैंक का सारा काम कर सकेंगे। और दूसरा 25,000 किसानों को 6 फरवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा सीधे प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे 0% में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ऋण वितरण का काम किया जाएगा। और अभी तक हमारे द्वारा बहुत सारी योजनाएं 0% में की गई। बदलते दौर में अब पोस्ट ऑफिस से जुड़ी चीजें भी बदलने लगी हैं। रुड़की डाकघर के जगह जगह लगाए गए लेटर बॉक्स अब स्मार्ट हो गए हैं। नई योजना के तहत सभी लेटर बॉक्स पर बारकोड लगाया गया है। बारकोड के जरिए ही लेटर बॉक्स खुलेंगे और बॉक्स में डाली जाने वाली चिट्ठियों पर पोस्ट ऑफिस से नजर रहेगी। कोड को स्कैन करते ही ये भी पता चल जाएगा कि लेटर बॉक्स में कितनी चिट्ठियां हैं। इन डिजिटल लेटर बॉक्स में सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाया गया है, जिसका काम पिछले करीब 1 साल से चल रहा था। सॉफ्टवेयर को मोबाइल से कनेक्ट किया गया है ताकि पोस्टमैन अपने मोबाइल ऐप के जरिए लेटर बॉक्स को खोल पाएंगे। साथ ही अधिकारियों को भी जानकारी मिल जाएगी। पोस्टमास्टर आरडी रतूड़ी का कहना है कि अधिकारी आसानी से पता लगा पाएंगे कि पोस्टमैन ने कौन सा लेटर बॉक्स खोला है। उन्होंने कहा कि सिस्टम की वजह से कार्य में पारदर्शिता आएगी। सुविधा ये है कि भाई इसमें वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, लेटर बॉक्स खोला नहीं खोला, मतलब पब्लिक का जो टाइम जिसमें पोस्ट किया है लेटर बॉक्स में, उसका सही समय पे क्लियरिंग हो रही है नहीं हो रही, इसका मेन इसका मकसद वही है। प्रॉपर हमारे द्वारा निगरानी रखी जाती है, हमारे जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा रखी जाती है, सभी स्तर पर इसकी निगरानी होती है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। टिहरी बांध प्रभावितों को मिली बड़ी राहत। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा 415 विस्थापित परिवारों का जल्द होगा पुनर्वास। टीएचडीसी ने 21 हेक्टेयर भूमि लौटाने की दी सहमति। अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य होगी सभी गतिविधियां। राज्य में आने वालों के लिए अनुमति और पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त। देहरादून में मेट्रो न्यू संचालन की तैयारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीपीआर तैयार करने के निर्देश। कहा शहर में यातायात के बेहतर संसाधनों के लिए ये है जरूरी। और वन विभाग बनाएगा पंच केदार सर्किट। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्महेश्वर और कल्पेश्वर मंदिरों को पौराणिक रास्तों से जोड़ने की योजना। पर्यटन और आर्थिक को मिलेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।